गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भालेराव मैडम। आई टीच मैथ्स इन सिक्स स्टैंडर्ड सेमी डिवीजन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 इनका स्टडी किया था, और उसी तरह उसकी जो डेफिनेशन है और उसके जो टेबल्स जो थे वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे और उसको स्टडी किया था। उस पर डिपेंड ये प्रैक्टिस सेट 22 जो है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी देखो, प्रैक्टिस सेट 22 में क्वेश्चन दिया है, देयर आर सम फ्लावरिंग ट्रीज इन अ गार्डन, ईच ट्री बेयर्स मेनी फ्लावर्स विद द सेम नंबर प्रिंटेड ऑन इट। 3 चिल्ड्रेंस टूक अ बस बास्केट ईच टू पिक फ्लावर्स, ईच बास्केट हैज वन ऑफ द नंबर्स 3, 4, or 9 ऑन इट। ईच चाइल्ड पिक्स दोज फ्लावर्स विच हैव नंबर्स डिविजिबल बाय द नंबर ऑन हीज और हर बास्केट। ही एंड शी टेक्स ओनली वन फ्लावर फ्रॉम ईच ट्री। कैन यू टेल विच नंबर द फ्लावर इन ईच बास्केट विल हैव। इसका मतलब देखो कि यहाँ पर ये जो कुछ ट्रीज दिए हैं गार्डन के, और उस ट्रीज पर कुछ नंबर फ्लावर्स आए हैं और उस फ्लावर्स पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। उसी तरह यहाँ पर 3 चिल्ड्रंस है और उनके हाथ में ये 3 बास्केट्स है, एक 3 नंबर की, एक 4 नंबर की एंड 9 नंबर की। इसमें से ये जो नंबर्स लिखे हुए जो फ्लावर्स है, तो इसमें से कौन सा फ्लावर कौन से बास्केट में जा सकता है यह हमें फाइंड करने का है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, फर्स्ट फ्लावर है तो उस पर नंबर लिखा है 111। अभी देखो 111 ये कौन से बास्केट में जाएगा, तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है, तो उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर इनके जो डिजिट्स है इनका हम लोग सम करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, इसका मतलब यहाँ पर इनकी जो सम है वो कितनी आती है 3, और 3 नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो फ्लावर है वो कौन से बास्केट में जाएगा, 3 नंबर के बास्केट में जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 220, अभी इसकी भी इसमें जो डिजिट से उनकी सम करके देखेंगे। देखो 2 + 2 = 4, 4 + 0 = 4, यानी ये नंबर जो है वो 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है। अभी इनका 10 और यूनिट प्लेस इनका जोड़कर जो भी नंबर तैयार होगा उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पर नंबर तैयार हो गया है 20, और 20 नंबर जो है वो 4 से डिवाइड है, इसका मतलब 220 ये फ्लावर जो है वो 4 नंबर के बास्केट में जाएगा। उसके बाद है 369, अभी इसके भी नंबर जो है ये इसमें जो डिजिट से उनकी सम करके देखेंगे। देखो 3 + 6 = 9, 9 + 9 = 18, देखो 18 नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है एंड ये 9 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये फ्लावर जो है ये 3 के या फिर 9 के दोनों में से किसी भी एक बास्केट में जा सकता है। उसके बाद है 435, अभी इसकी भी सम करके देखेंगे। देखो 4 + 3 = 7, 7 + 5 = 12, अभी ये 12 नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 नंबर के बास्केट में जाएगा। उसके बाद 356, अभी इनकी सम करके देखेंगे। देखो 3 + 5 = 8, 8 + 6 = 14, 14 नंबर 3 और 9 दोनों से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन अभी इनका 10 और यूनिट प्लेस दोनों को जोड़कर कितना नंबर तैयार हो गया, 56, अभी 56 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर जो है वो आएगा 14। तो देखो 14 नंबर जो है तो ये फिर यहाँ पर ये नंबर जो है वो 4 के बास्केट में जाएगा। उसके बाद आता है 249, अभी देखो 4 + 2 = 6, 6 + 9 = 15, 15 मतलब ये 3 से डिवाइड है इसलिए ये 3 के बास्केट में जाएगा। उसके बाद 432, देखो 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, यानी ये 3 के भी बास्केट में जा सकता है या फिर 9 के बास्केट में भी जा सकता है। उसके बाद है 999, अभी देखो इनकी सम करके देखेंगे, 9 + 9 + 9 कितने हो गए, 27, ये 3 के भी बास्केट में जा सकता है या फिर 9 के भी बास्केट में जा सकता है। उसके बाद देखो 6 + 6 + 6 यानी कितने हो गए, 6 + 6 = 12, 12 + 6 = 18, 18 जो है वो 3 के भी बास्केट में जा सकता है या फिर 9 के बास्केट में जा सकता है। अभी देखो 415, अभी देखो यहाँ पर 4 + 5 = 9, 9 + 0 = 9, यानी ये 3 के भी बास्केट में जा सकता है या फिर 9 के बास्केट में जा सकता है। उसके बाद 960, देखो 9 + 6 कितने हो गए, 50, और उसके बाद 15 जो है वो 3 से डिवाइड है इसलिए मतलब ये 3 के बास्केट में जा सकता है।
उसके बाद यहाँ पर यूनिट और टेन दोनों का जोड़कर जो नंबर तैयार हुआ है 60, ये 50 से डिवाइड, मतलब ये 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 4 से भी, 4 के भी बास्केट में जा सकता है। उसके बाद 72, अभी इनका एड सम करो तो कितनी आती है, 7 + 2 9, यानी ये 3 के भी बास्केट में जा सकता है या फिर 9 के भी बास्केट में जा सकता है। उसके बाद देखो 123, तो देखो यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी ये 3 के बास्केट में जाएगा। उसके बाद 9 + 90, यानी 9 + 0, यानी ये 3 के भी बास्केट में जाएगा और यहाँ पर 9 के भी बास्केट में जाएगा। उसके बाद 336, अभी देखो 6 + 3 9, 9 + 3 12, मतलब ये 3 के भी बास्केट में जा सकता है। और उसी तरह 3 + 3 और 6 जोड़कर 36 हो गए, यानी ये 4 से डिवाइड है, इसे मतलब ये 4 के भी टेबल में, मतलब बास्केट में जा सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को 3, 4 एंड 9 इसकी बास्केट बनाकर आप लोगों को ये जो फूल है, फ्लावर्स है, ये कौन से बास्केट में जा सकते हैं, ये नंबर कौन से बास्केट में जाएंगे, तो उसी बास्केट में ये नंबर आपको लिखने के हैं। धन्यवाद।